पाजी आज का टाइम जो है मोबाइल का है. हाँ जी. आजकल बच्चा जो है माँ की उंगली पकड़ के बड़ा नहीं होता, मोबाइल पे चला चला के उंगलियां ना बड़ा हो जाता है आजकल. लेकिन मोबाइल का एक फायदा तो है, बच्चों की अंगूठा चूसने की आदत चली गई. क्योंकि अंगूठा तो उनका कीपैड पर रहता है. छोटे से बच्चे का अंगूठा इधर ABC छपा होगा उसके, इधर DEF. दो दिन गए जब माए बच्चों को लोरियां सुनाती थी. हमारे टाइम पे हम लोग कैसे पले बाजी, दो पेड़ों के बीच में लंबी चादर डाल के मम्मी रोटियां पका रही थी, चल उधर चलो चपातियां बनाते बनाते बच्चे बड़े हो गए. बच्चे क्या, माएं बच्चों की आजकल मोबाइल पे बिजी हैं. एक हाथ से बच्चों को खाना खिला रही है, इधर बच्चा बैठा निकल सा, और दूसरे हाथ से मोबाइल चेक कर रही है. बच्चे पता ही नहीं बच्चे के मुंह में जा रहा है कि कान में जा रहा है. कभी कभी तो कोई ऐसी चीज आ जाती ना, आंखें खुल जाती, हाँ ये क्या आ गया. तो इनका हाथ वहीं रह जाता. ऐसे बच्चे जो वेट करें ना, वो फिर गुस्से में माँ के हाथ पे काटते हैं. अच्छा पहले भीड़ वहां होती थी जहां लंगर होता था, चंदन को तो पता ही होगा. लेकिन आजकल भीड़ वहां आती जहां फ्री का वाईफाई लगाओ. आपके घर मेहमान आए ना, तो इससे पहले कि आप पूछो कि आप चाय पानी लेंगे, वो पहले मुंह बना के पूछ लेते हैं, वाईफाई का पासवर्ड होगा. ये देखो ये हमारी लल्ली. तो जो टीवी पे इतने मशहूर हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मशहूर होना है इन लोगों का. और ये देखो. अच्छी बड़ी खूबसूरत मॉडल लड़की मिस इंडिया रह चुकी है, हुलिया बिगाड़ रखा है, बिल्ली बनी हुई है. तेरे चक्कर में ना लोग बिल्ले बन के घूम रहे बाहर. ये देखो. तो यहाँ पे कम सामान लगा के घूमते जो बाहर भी लिपस्टिक डाल रहे हैं. कीकू हमारा आगे दिखाओ, और भी हैं. पर मैं आपको बात बताऊं, एक इस शो से ज्यादा ऐसे कमाता है. अगर आपको कहीं मिलना हो ना रात 9 बजे के बाद, तो ये आपको लोखंड वाला मिलेगा. अच्छा पहले तो सिर्फ यंग जनरेशन हुआ करती थी ना सोशल मीडिया पे, अब बूढ़े बुजुर्ग भी आ गए, बच्चे भी आ गए. मैं तो खुद देखा एक बार, मेरे दादाजी के भाई हैं, वो एक दिन बोल रहे थे, बेटे ये बिमला की फोटो है. मैं कहा हाँ, इसको लाइक कैसे करना कहते. ये अंगूठा बना रहे थे ऐसे दबाने के लिए, पीछे से ना उनकी बीवी घूसा तैयार करके बैठी हुई थी. अच्छा नेट पे कई तरह के गेम्स आ गए हैं जिनको खेलने के लिए आपकी उम्र 15 साल से ऊपर होनी चाहिए. कई 8 साल के बच्चे ना अपनी उम्र 15 लिख देते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, माँ बाप पीटते हैं, ये काम करता तू 15 साल नहीं लिखेगा. बच्चा भी आगे से बोलता है, अच्छा तो जो आप एंजल प्रिया के नाम से चैटिंग करते हो उसका कुछ नहीं. ये बात सच्ची है बाजी. आपको मैं अंदर की बात बताऊं, ये अपने दास दादा नहीं है, ये एंजल प्रिया के नाम से फेसबुक पे भी है. कोई भी ग्रुप हो 4 लड़कों का, उसमें से ना एक आ तो एंजल प्रिया बन के घूम रहा है. पता नहीं क्या मजा आता है इनको. तो जा गया भैया. तो जब तक तो फोन था तब तक तो सही था, जब से वीडियो कॉल आया ना बंदा बड़ा फंस गया है. कैसे, अब बीवियां फूल देती हैं, कहाँ हो, अबे दोस्त के यहाँ हो, तो वीडियो कॉल करो जरा. अब आदमी को भाग के जाना पड़ता है दोस्त के घर, पसीना पसीना पहुंच के, ये देख मैं झूठ बोल रहा था. एक टाइम था जब मोबाइल फोन ही नहीं हुआ करता था, तब फोटो सिर्फ फोटोग्राफर ही खींचता था. उन दिनों में ना फोटोग्राफर को बड़ी लिबर्टी होती थी, दूल्हे ने दुल्हन का मुंह देखा हो चाहे ना देखा हो, हाँ. ये घूंघट में हाथ डालकर ठुड्डी से मुंह पर कर पूरे दुल्हन को देख लेता, दूल्हे को बड़ा गुस्सा आता था कि साला मैं तलवार पकड़ के घोड़ी बैठ के आया 3 घंटे, ये सीधा ठुड्डी को पकड़ रहा है. दुल्हन की सहेलियों का फेवरेट जो होता था ना, दूल्हा नहीं होता था फोटोग्राफर होता था, ये अपनी दुल्हन को साइड में ले जाके ना अंदर अलग से फोटोग्राफी होती दुल्हन की होती थी ना पब्लिक. शर्माने वाली वो. 4-5 पोज ही थे पहले, यही थे चलते थे. आजकल एक और चीज देखी होगी आपने, कोई भी आदमी अपनी सोशल मीडिया पर फोटो डालता ना, जैसे अभी प्रियंका और निक की शादी हुई थी तो उन्होंने फोटो डाली अपनी, कोई नीचे लोग लिख रहे हैं कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन. कई लोग अपना धंधा चालू कर देते हैं, वशीकरण, ऊपर की हवा, ग्रह कलेश, संपर्क करें, ऐसे ऐसे ऐड करने शुरू हो जाते हैं. उनकी नई नई शादी हुई है, पहले ग्रह कलेश की ऐड कर रहे हैं अपनी.
पता नहीं कहाँ से आया, हर किसी की पोस्ट में आएंगे. हाँ, मोबाइल की वजह से आजकल बच्चे वैसे खेलने के लिए बाहर कम जाते हैं, लेकिन जो बच्चे जाते हैं माए उनको लेने चली जाती हैं, तो वो भी कहते हैं कि 5 मिनट और, 5 मिनट और. बच्चों को 5 मिनट और खेलने दीजिए और आप भी उनके साथ खेलिए, क्योंकि खेलेंगे तभी खेलेंगे. वाह. पर पाजी, बड़े लोगों ने ना सोशल मीडिया पे फेक आईडी, आप में से कोई है जिसने कभी सोशल मीडिया पे फेक आईडी बना के चैट की हो? है कोई? आपने किए? आपने आपने बनाया था फेक आईडी? हाँ जी, मैंने बनाया था. किस नाम से बनाया था आपने? जी, निशा मिन्हास के नाम पे. निशा मिन्हास के नाम से? हाँ जी. शादी से पहले? जी जी नहीं, शादी के बाद. ऐसे क्यों बनाया था आपने? जी, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि मैं पक्का बोलता हूँ, मैं तेरे सिवा किसी और को कभी नहीं देखता, बट हमेशा मोबाइल में रहते थे, तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ. थोड़ा सा फेक? हाँ जी. काफी होता है आपका, थोड़ा सा बहुत होता है. हाँ जी. तो फिर? तो मैंने एक फेक आईडी बनाई निशा मिन्हास के नाम पे, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और अच्छी सी सुंदर सी एक फोटो डाल दी किसी की. अच्छा. एक दोस्त की थी, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली. अच्छा. एक्सेप्ट कर ली, फिर मेरी बातें शुरू हो गई, हाय कैसी हो, ठीक हो, इनका शुरू हो गया. फिर मैंने कहा आप मैरिड है? तो हमेशा बोलते थे नहीं मैं सिंगल हूँ, और बार बार मैं ये सवाल. अच्छा. मैंने तक हर दो दिन में मेरा ये सवाल होता था, पक्का आप मैरिड हो? नहीं 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 मैं सिंगल हूँ. अच्छा. ठीक है. तो उनके प्यार में ये इतना ज्यादा डूब गए, उनको नहीं पता था वो मैं हूँ. अच्छा. बस वो उनकी बातें बढ़ती गई, एक महीना गुजरा, डेढ़ महीना गुजरा, उसके बाद बोले हम मिलते हैं. अब मैंने लगा मिले तो मैं पकड़ी जाऊंगी. अच्छा. तो इसके पहले मैंने खुद ही जाकर उनको बता दिया कि वो तो मैं ही थी. अच्छा. जैसे ही इनको पता चला कि वो मैं हूँ, ये 2 दिन डिप्रेशन में चले गए. साथ आए आपके हस्बैंड? हाँ जी, एक साथ में ही बैठे हैं. कैसे हाथ हिला रहे हैं, जैसे गोल्ड मेडल लेके आए ओलंपिक में. पर आपने अपना नाम नहीं बताया ओरिजिनल. जी, मेरा नाम श्वेता है. और भाई साहब का नाम क्या है? सनी. सनी सरोज. हाँ जी. सनी. निशा. हाँ जी. आप भी? चुपचाप बंदा बैठा, कोई कह सकता इतना खुराफाती बंदा होगा? सर क्या हाल है? सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल. सच बात है ये, ऐसा हुआ था. अच्छा जी. मेरी बीवी से मुझे दोबारा प्यार हो गया था. ये बीवी से नहीं हुआ था? हाँ जी. आपको निशा मिन्हास से हुआ था? प्रोफाइल फोटो कोई और थी भाई साहब? ये बंदा कवर अप कर रहा है, इसने 5-6 और किया हुआ है. ये मैं समझ गया हूँ, अभी जो भी है यही है. बस इसी में खुश रहिए आप. जी, बहुत प्यारी है. इसी में भलाई है. बहुत प्यारी तो है ही, आप अभी भी जिंदा हो. नहीं तो ऐसा कभी हुआ होता तो पत्नी तो छोड़े ना. काम क्या करते हैं सर आप? यही करते हो? जी, आप कुछ कहने वाली थी मैडम. एक्चुअली इंसिडेंट है कॉलेज का. अच्छा जी. कॉलेज में ऐसे हम लोग चिल मार रहे थे फ्रेंड्स लोग. चिल मारना क्या होता है वैसे? नहीं, मेरे को जानना है. बड़े लोग बोलते चिल मारते हैं. चिल कोई चीज होती है जिसको मारा जाता है फ्रिज में? चिल मारना क्या होता है? आई वांट टू नो. टीचर्स इतना बोरिंग लेक्चर देते हैं तो उसके बाद ऐसा मस्ती हंसी मजाक. चिल मारना नहीं, ये होता बाप के पैसे मारना. क्योंकि उन्होंने खर्चा किया है, आप पढ़ नहीं रहे हो. तो अच्छा, आप चिल मार रहे थे फिर? तो लाइक फ्रेंड बहुत अपसेट लग रही थी, तो पूछा कि क्या हुआ. उसने बोला एक दिन कि लाइक उसे एक लड़के क्रश है समथिंग. उसका आंसर आ रहा था कि आई नीड सम टाइम एंड ऑल दैट. लड़के ने बोला? हाँ. आईसीयू में था, क्या टाइम चाहिए उसको? लड़के तो कभी बोलते नहीं आई नीड सम टाइम. थोड़े टाइम बाद वो ऐसे इंस्टा चेक कर रहा था, तो शायद उसने मेरा डीपी देखा, तो उसने वही लड़की को बोला कि ये लड़की उससे मिला, बहुत क्यूट लग रही है मेरे को करके. अच्छा, फिर? तो हम लोग को सबको गुस्सा आया कि मेरी फ्रेंड उसके लिए 3 महीने से वेट कर रहे हैं एंड ही इज लाइक कि यहाँ पे. सो हमने फेक आईडी बनाया. अच्छा. एंड उससे बातें बातें किया, थोड़ा फन टाइप. फन टाइप क्या? मस्ती करने लगे. वो जो भी रिप्लाई देता था उसका सेम टू यू एंड ऑल, मजाक करते थे उसके साथ.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.